हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग रात में निचोड़ का खूबसूरत सैर करा रहे हैं, जो लाइट से सजा हुआ खूबसूरत शहर है और खूबसूरत रास्ते हैं। हम लोग निचोड़ में आगे चलेंगे और निचोड़ के कुछ इंटरेस्टिंग सा जगह है उसके बारे में दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा। ये रात होने की वजह से एक खूबसूरती और भी बढ़ चुकी है, उसे हम लोग आगे चल के दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो भी बने रहे हैं दोस्तों, हम लोग आगे चल रहे हैं और खूबसूरत दृश्य है और उसे दिखा के। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपना खूबसूरत राय भी दें। हम लोग आगे निकल रहे हैं और हम लोग चैनल पर बने रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, हम निचोड़ के मेन मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ खूबसूरत दुकानें भी सजी हुई हैं और लाइटें भी हैं, जो बिजली के खंभों पे कई कलर के लाइट लगी हुई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये दुकानें भी हैं और हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं, जो थाना से होते हुए आगे निकलेंगे। मेन चौराहे पर आ चुके हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर दिखाया जा रहा है। हम लोग चौराहे पे आ चुके हैं, अब थाने वाले रोड से हम लोग आगे निकलेंगे। आप उस चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। दोस्तों, हम आ चुके हैं, निचोड़ का थाना है, ये मेन गेट है और अंदर थाना का ये रास्ता है जो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग इस रास्ते से होते हुए आगे निकलेंगे और रात का समय है दोस्तों, लाइट बहुत खूबसूरत नगर है, उसे नज़र आ रहा है जिसे दिखाया जा रहा है। दुकानें कुछ लगी हुई हैं जो रात के समय होने की वजह से इस समय कम हो गया, भीड़ भाड़ नहीं है। हम लोग इसी रास्ते से होते हुए आगे चलेंगे। फल की दुकानें कुछ हैं और इस साइड में भी श्रृंगारी की दुकान है। दोस्तों, हम आगे चल रहे हैं और नज़दीक में ही निःशुल्क का स्वास्थ्य केंद्र है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गेट दिखाया जा रहा है। बहुत पुराना समस्या है, निःशुल्क हॉस्पिटल है, कुछ मेडिकल भी खुल चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आज कहीं चमन में फूल पे यहाँ का खूबसूरत दृश्य है उसे दिखाया जा रहा है। ये चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं और एक रोड है, जंगल जाता हुआ रास्ता है और इस साइड में लगा रहा है। हम लोग आगे चल के दिखा रहे हैं,
देखिए दोस्तों, हम चमनगंज पुल पे आके मटर खा रहे हैं। यहाँ का फेमस मटर का दुकान है दोस्तों। ये गोलू मुझे खाते हुए नजर आ रहा है। हमारे घर में पानी है, पानी है दोस्तों। चमन के चौराहे पे आ चुके हैं। ऐसी समझ शायद जाता हुआ रास्ता है और इस शहर से निकल रहा, निचोल शहर से बाहर निकलता हुआ जगह है। हम लोग यहाँ आके मटर खा चुके हैं और आपको आगे दिखा रहे हैं दोस्तों। ये नेपाल का भी सीन है, जो नेपाल जाता हुआ बॉर्डर रास्ता है और एक रास्ता है जो जंगल में होता हुआ अगर यहीं से निकलता है, उसे हम लोग दिखा रहे हैं। आलू चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो की भी लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपना राय दें। हम चमनगंज बैदौली ग्राम सभा के पास आ चुके हैं दोस्तों। हम यहाँ से बैदौली ग्राम सभा में चल रहे हैं। वहाँ पर बहुत विशाल बौद्ध विहार बना हुआ है, हर साल भारी मात्राओं में भीड़ भाड़। दोस्तों हम बैदौली ग्राम सभा में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ बुद्ध भगवान का भी प्रतिमा है, उसे दिखाया जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है, लाइट से सजा हुआ जगह उसको दिखाया जा रहा है। चलो इसे दोस्तों, यही बैदौली का बुद्ध विहार है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोगों की भीड़ लगती है और बहुत स्थित है। बुद्ध भगवान का बहुत विशाल मेला लगता है और लाइट से सजा हुआ जगह बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। कुछ दुकानें लगी हुई हैं, हम 7-5 फुट पे आ चुके हैं। ये लाइट की वजह से ऐसा दृश्य है, किसी समय जाता हुआ रास्ता है और इस साइड में पिछड़ो निकलता हुआ है रास्ता। इसी रास्ते से आगे चलेंगे और खूबसूरत जगह है और लोग पान खा के आगे निकलेंगे। यहाँ पे स्थित हनुमान जी का मंदिर है और इस साइड में दुकानें कुछ लगी हुई है। वो आगे दिखा रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे ही एक और भी मंदिर है, जो करके दिखाया जा रहा है।